नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में लाएंगे। और पूरा चैप्टर इसी चीज का है, इसमें क्या करना होता है, हर एक पूरे चैप्टर में ऐसे सोल्यूट में लाने हैं जो सब नॉन वोलेटाइल हो और मेनली नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो आगे चैप्टर में जो करेक्शन आएगा वो आगे देखेंगे। तो नॉन वोलेटाइल जब भी मिलाते थे तो हमने क्या देखा था, इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, जीरो। तो हमने देखा था RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना बताया था, PA0 PS / PA0 = XB। ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। अब इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसमें हमें एक एक चीज देखनी पड़ेगी। पीए नॉट ये क्या है, प्योर विलायक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये विलयन का है, और ये क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का। तो देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन है लिखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास गिवन है 40, इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ 114 ग्राम ऑक्टेन बाय 114 ग्राम ऑक्टेन टू 80%। ये क्वेश्चन है भाई, देखिए ध्यान से समझना पड़ेगा, हमें क्या पूछा है, नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील विलेय का भार पूछा है हमें, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो हमें देखिए क्या पूछा गया है, यहीं पे हमने नोट कर लिया कि हमें WB रिक्वायर्ड है, राइट, कि हमें किसी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं अपन, उसको पूछा गया है। सॉल्वेंट कौन है इसमें, ऑक्टेन, 114 ग्राम किसका दे रखा है, ऑक्टेन का, और वेपर प्रेशर को कितना कर देना है, 80%। तो हिंदी में एक बार लिख लीजिए, ग्राम ऑक्टेन में 114 विलय करके उसके वाष्प दाब को 80% कर देने हेतु कितने ग्राम अवाष्पशील विलय, जिसका अणुभार दिया हुआ है कितना है अणुभार 40, की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन है भाई कि 114 ग्राम ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 100 से कम करके कितना कर देना है, 80%। अब लैंग्वेज को समझिए, वेपर प्रेशर ऑफ 114 ग्राम ऑक्टेन टू 80%, इसका मतलब तो है रिमेनिंग जो बचेगा वो कितना होगा, 80%। अगर देखिए छोटा सा करेक्शन देखिए, इस 2 की जगह अगर काटकर अपन ने क्या लगाया होता, बाय, ध्यान से देखिए यहां लिखा होता 114 ग्राम ऑक्टेन विलय करके उसके वाष्प दाब को 80% कम करने हेतु, यानी बाय 80% का मतलब होगा जो बचा हुआ है वो अब 20 होगा, क्योंकि रिड्यूस बाय 80%, और इसमें है रिड्यूस टू 80%, ठीक है ना। तो अब अपने को थोड़ा ध्यान देना होगा, तो अब इसमें से आप, वही एक तरीका है अपने पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक ही तरीका है, क्या करना होगा, हमें जो गिवन थिंग्स हैं उन्हें नोट करना होगा, क्या क्या गिवन है, देखिए आप, आपसे पूछा गया WB
कैलकुलेट करना है। MB मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बताएं, 40 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, राइट। आगे देखिए, अब एक होगा PA नॉट, एक होगा PS, एक होगा WA और एक क्या होगा MA। ध्यान से देखिए, सॉल्वेंट कौन है? ऑक्टेन, जिसका कितना ग्राम दे रखा है, 114 ग्राम, ये तो क्वांटिटी गिवन है। सॉल्वेंट का मॉलिकुलर मास भी कितना होता है, ये कैसे आया है? ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C8H18। कैसे निकला है, क्योंकि आप देख लीजिए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और ऑक्ट है तो इसका मतलब कितना हो गया, कार्बन का नंबर होगा 8, तो अब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 114 ग्राम आएगा। PS और PA नॉट, अब ये बताएं PA नॉट कितना लेंगे हम, जब भी परसेंटेज का कोई भी मैटर होता है तो इट इज कन्वीनियंट टू टेक 100, हमेशा कितना लेना चाहिए बेटा, 100 लेना चाहिए, तो PA नॉट हमने ले लिया 100, तो अब ये PS कितना होगा, 80, और अगर वहां लिखा होता रिड्यूस्ड टू 80% की जगह लिखा होता रिड्यूस्ड बाई 80%, 80% कम करने का लिखा होता तो हम यहां लेते 20। समझ में आ गया, बस इतना वेरिएशन था। अब हम क्या जानते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू व्हाट, XB, ये तो हम जानते हैं। अब XB को एक्सपेंड कर लो, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, XB क्या होता है बेटा, NB अपॉन NA प्लस, लिख लो, तो PA नॉट कितना है बताएं, 100 माइनस 80 अपॉन 100, NB ये कैसे निकालेंगे, WB बाय 40, नीचे क्या आएगा, NA प्लस NB, तो देखिए ये तो वापस WB बाय कितना है 40, और ये 114 बाय 114, तो इसको सॉल्व करेंगे 20 बाय 100 कितना आ जाएगा बेटा, 1/5, ये आ गया WB बाय 40 तो है ही, ये इसको कैंसिल करा तो 1 आ गया, एलसीएम लिया 40, 40 प्लस WB, तो 40 ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या आएगा, WB प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो 5WB इज इक्वल टू व्हाट, WB प्लस 40, 4WB इज इक्वल टू 40, WB कितना है, लिख लो सारा, बस इस तरह से काम करना होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हमें सिर्फ ये देखना है कि सॉल्यूशन का कितना प्रेशर गिवन है, प्योर सॉल्वेंट का कितना है, वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सारी चीजें वही अप्लाई करनी है। अगर हमने कंसंट्रेशनल टर्म्स अच्छे से पढ़ी है ना, मोलैरिटी मोलैरिटी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है बोर्ड में, ठीक है ना। तो